दोस्तों रेखा स्पेशल किचन में आप लोग को स्वागत करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। तो आज दोस्तों मैं जा रही हूँ, यह मेरा आंवला है, इसको मैं अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद में इसको मैं आज बनाऊँगी चटनी। तो चटनी दोस्तों खट्टी तीखी मीठी चटनी रहेगा मेरा। इसको मैं अभी बॉयल करने जा रही हूँ। बॉयल करने के बाद में आपको बताती हूँ कि खट्टी तीखी मीठी चटनी आंवले का कैसा बनता है। दोस्तों देखो, दोस्तों अभी मैं ये आंवला स्टोव में रखूँगी। स्टोव में रखने के बाद में गैस पे रखने जा रही हूँ, तो ये बॉयल हो जाए। देखो गैस मेरा ऑन है। इसमें डालूँगी मैं अभी एक गिलास पानी, सिर्फ दोस्तों एक ही गिलास पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आंवला खुद ही पानी छोड़ता है ऑलरेडी। तो इसी भाप से, इसी पानी से ये आंवला मेरा पकेगा। अब दोस्तों मैं इसको ढक रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट इसको बॉईल करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट दोस्तों। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों अभी मैं चेक करने जा रही हूँ तो आंवला मेरा हुआ कि नहीं। तो आंवला मेरा अच्छे से हो गया है दोस्तों। कभी भी चेक करना तो ऐसे कोई भी या चम्मच या छुरी से ऐसे चेक कर लेना। मेरा आंवला बहुत अच्छे से पक गया है, सिर्फ 5 मिनट पकाई हूँ। गैस मैं बंद कर चुकी हूँ दोस्तों। अभी मैं इसको उतारने जा रही हूँ, उतारने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों इसको मैं पानी में से निकाल ली हूँ। अभी ये आंवला मेरा बहुत अच्छे से उबला हुआ है, फट गया है, बहुत बढ़िया फटा हुआ है। और फिर उसके बाद में ये ठंडा हो जाएगा दोस्तों ना, अभी गर्म है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा पानी है आंवले का दोस्तों ना, इसे मैं फेंकूँगी नहीं, ये मैं सेवन करूँगी जैसे दवा के रूप में, जैसे रोज़ एक ढक्कन लेने का। तो एक हफ्ता ये मेरा पानी चलेगा, ख़राब नहीं होएगा दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चटनी के बारे में। देखो दोस्तों ये मेरा आंवला ठंडा हो गया है, अभी मैं इसको फोड़ रही हूँ। तो ये फोड़ के हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इतनी अच्छे से उबल गया है ना कि बहुत बढ़िया से ये निकल रहा है बिया। तो ऐसे मैं पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों आंवला मैं मतलब छोटा छोटा पीसेस ये तो फोड़ते टाइम ही कर ली हूँ। तो अभी चल रही हूँ मैं गैस के पास में, तो चूल्हे पे कढ़ाई रख चुकी हूँ, गैस मेरा ऑन है, गैस ऑन कर चुकी हूँ दोस्तों। अभी मैं आंवले की तीखी मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ। तो ये तेल है, ये सरसों का तेल है दोस्तों, सरसों का तेल ज़्यादा नहीं, बस इतना ही से डालूँगी क्योंकि चटनी बना रही हूँ, अचार नहीं है जो ज़्यादा डालूँगी। अब ये तेल मेरा लाल हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको दिखाती हूँ करें हुआ कि नहीं। तो तेल मेरा लाल हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ पचफोरन, क्योंकि आंवले की चटनी में पचफोरन का तड़का बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। तो थोड़ा ज़्यादा करके डालूँगी, 2 चम्मच डालूँगी पचफोरन में। और उसके बाद में थोड़ा लाल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लहसुन का पेस्ट है दोस्तों, इसको मैं खून के रखी थी, ये डाल रही हूँ। अभी ये लाल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों लहसुन और पचफोरन मेरा लाल हो गया है। अभी मैं इसमें छोड़ूंगी ये आंवला अपना, ये आंवला डालूंगी दोस्तों। इसको मैं तेज़ आंच में, आंच तेज़ करके 5 मिनट इसको भूनूंगी। भूनने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों अभी मैं इसको भून रही हूँ, 5 मिनट भून के हो गया है मेरा। अभी मैं इसमें डालूंगी गुड़। पहले तो मैं इसमें डालूंगी दोस्तों एक काली मिर्च है, काली मिर्च मैं कूट के रखी थी, तो एक काली मिर्च डाल रही हूँ इसमें। और फिर ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये हरी मिर्ची थी मैं घर पे इसको सुखवा के लाल कर दी थी, तो हरी मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा मीठी तीखी रहना चाहिए दोस्तों। तो ये मेरा हो गया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों अभी मैं काली मिर्च वो सब डाली दोस्तों। अभी मैं इसमें थोड़ा से ब्राई मान नमक डालूँगी,
क्योंकि थोड़ा सा नमक भी रहना चाहिए, क्योंकि मेरा चटनी है खट्टी तीखी मीठी। इसको चलाएंगे, चलाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो बहुत मज़ेदार चटनी होता है आलू का, खट्टी तीखी मीठी चटनी। तो दोस्तों अभी मैं इसमें चला के हो गया है, अभी मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। तो 500 ग्राम मेरा मतलब ये आंवला था और 700 ग्राम इसमें मैं ये डालूँगी, 700 ग्राम ये अपना गुड़ है, ये गुड़ डालूँगी दोस्तों। तो कभी भी आप भी ट्राई करिएगा, आंवले की चटनी बनाने के लिए बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, हार्ड नहीं बता रही हूँ दोस्तों। लोगों ने बहुत सारा चीज़ डालते हैं, मैं जो गांव में अपना चटनी बनता है मैं उसी के अनुसार बना रही हूँ, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आप मेरी वीडियो को बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू की चटनी कैसा बनता है। देखो दोस्तों, आंवला का चटनी मेरा पक रहा है, सब चीज़ इसमें डाल के हो गया है। तो कभी भी दोस्तों बनाना ना तो लहसुन तो ज़रूर डालना, क्योंकि लहसुन रहेगा ना तो खुशबू बहुत अच्छा आता है, स्वाद भी बहुत अच्छा देता है, टेस्ट भी देता है। मैं आपको दिखाई थी क्या क्या इसमें पड़ता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मली तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। तो कभी भी ना सर्दियों के टाइम पर तो ज़रूर लेना चाहिए। तो ये जैसे मैं गुड़ में बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि गुड़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। और फिर इसको आप ना, आपको चाहिए तो आप शक्कर में भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे गुड़ में बना वैसे शक्कर में भी। तो मुझे शक्कर नहीं पसंद है, इसके लिए मैं शक्कर नहीं बनाई हूँ। तो ये जब पक जाएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 10 मिनट इसको पकाऊँगी, 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरा पक गया है, अब इससे ज़्यादा मैं सूखा नहीं करूँगी। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, तो गैस अब मैं बंद करूँ दोस्तों, गैस मेरा बंद हो गया, अभी मैं इसको उतारूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, आंवला का चटनी मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो कभी भी आप ट्राई करना दोस्तों। तो मैं गुड़ में बनाई हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ पसंद है, शक्कर नहीं। तो आपको अगर चाहिए तो आप शक्कर में भी बना सकते हैं सेम ऐसे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि आंवला का चटनी मेरा कैसा बना हुआ है। थैंक यू।